हमारा छत्तीसगढ़, जहाँ लोहे की खान भी है और कच्चे मकान भी है, भोले बाबा का धाम भी है और हरे भरे जंगलों की शान भी है। आज हम इसी छत्तीसगढ़ के एक फेमस टेम्पल को देखने जा रहे हैं जो कि महानदी के किनारे स्थित है। तो सफ़र का शुरुआत होता है रायपुर से। हम निकल पड़े राजिम के लिए। अभी हम हैं लक्ष्मण झूले में। यहाँ से हम जाने वाले हैं श्री राजीव लोचन मंदिर। इन्होंने मन कैमरा चला सीखा थी। YouTube मीटअप के बाद अभी वीडियो बना रहे हैं। YouTube मीटअप के बाद एक वीडियो डाल चुका हूँ जो कि ओनाकोना टेम्पल, ओनाकोना टेम्पल बालोद। ठीक है, उसके बाद एक महीना नहीं थे लगभग। हाँ, वो दामा खेड़ा मेला मेरा देखोगे तो डेली डाल रहा हूँ रायपुर में। मेरे सामने है साक्षी और ये यहीं की रहने वाली है राजिम की, और हम अभी राजीव लोचन मंदिर दर्शन करने आए हैं। तो ये यहीं की रहने वाली हैं और बहुत भली बात इस मंदिर को जानती हैं। तो आप कुछ बताना चाहेंगे साक्षी इस मंदिर के बारे में? संगवारी हो मोरी हम बहुत बार 3 साल तक तो मैं ड्यूटी दे हो। यहाँ मैं NCC आर्मी में रहा था, तब मैं यहाँ ड्यूटी रहा मेला के टाइम, क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ रहा है। और अभी बाढ़ के टाइम भी यहाँ भीड़ रहते, फिलहाल तो हमारी ड्यूटी अभी नहीं लगे है। तो आओ संगवारी हो, आप मन भी राजीव लोचन मंदिर देखे बर, भुलेश्वर मंदिर देखे बर, आओ एंजॉय करो। अभी हम हैं श्री राजीव लोचन मंदिर में। यह मंदिर श्री विष्णु भगवान का मंदिर है। तो मैं अभी हूँ राजीव लोचन मंदिर में और ये है मेन मंदिर राजीव लोचन का। और यहाँ पे माघी पूर्णिमा में भव्य मेला लगता है और लाखों की भीड़ में यहाँ पे संख्या में लोग आते हैं। तो आप भी आ सकते हैं राजीव लोचन मंदिर। रायपुर से लगभग 45 किलोमीटर पड़ेगा आपको और दुर्ग से भी 40 से 45 किलोमीटर ये पड़ेगा। दोस्तों, ये है राजीव लोचन मंदिर का प्रवेश द्वार। यहाँ से एंट्री लेने वाले हैं। ये वैशाली खड़ी हुई है। तो देख लीजिए, हम आपको साक्षात दर्शन करा रहे हैं श्री राजीव लोचन भगवान। तो दोस्तों, अभी हमने श्री राजीव लोचन भगवान के दर्शन कर लिए हैं। अभी हम यहाँ से जाने वाले हैं। तो आपको कैसा लगा राजीव लोचन का ये सफ़र, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।